Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theredcookcrispies123. There I share the live updates of what I do and what I eat. I'm gonna try the food from the oriental section, and here I've got the chili garlic noodles जिसके ऊपर मैंने sauces डाली हुए हैं. मैंने इसमें डाला है red chili sauce और soy sauce. इसके अलावा यहाँ पर chili vinegar भी था जो कि मैंने avoid किया because मेरे को vinegar पसंद नहीं noodles में. अब मैं इसे pair करूँगी veg hoisin sauce के साथ. इसमें बहुत सारे veggies थे मगर मैं mainly ना अपने लिए mushroom लेकर आई हूँ और baby corn और हाँ zucchini भी ले आई. इसके अलावा इसमें कैरेट और पॉक्चर वगैरह भी था बट ये सब मेरे फेवरेट हैं. सबसे पहले तो नूडल्स को मिक्स करूँगी जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आ पाए इसमें सॉसेस का. प्लेट थोड़ी गंदी हो जाती है नूडल्स मिक्स करते टाइम मगर फिर फ़ायदा ही क्या अगर खाने में मज़ा ना आए. तो इसे मिला लूँगी अच्छे से और इनका कलर ऐसे एकदम डीप डार्क रेड हो रहा है. इनकी चिली सॉस ना बहुत तीखी होती है इसलिए हिसाब से डालनी चाहिए. नूडल्स इनके बहुत पसंद है मुझे, हर बारी मैं खाती हूँ ज़रूर. कमेंट करके बताओ आपके फेवरेट नूडल्स कौन से वाले हैं. मेरे को तो हक्का नूडल्स अच्छे लगते हैं ऐसे सॉसेज ऐड करके. यमी तो है मगर काफ़ी तीखा है. वेजीज इसमें एकदम सिंपल है लाइक बेल पेपर, अनियन, कैबेज, कैरेट. एक्जॉटिक वाली ये रही तो मशरूम ट्राई करूँगी. ग्रेवी अच्छे से ड्रॉप कर लेता है मशरूम, ये बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को इसकी. इवन द होइसन सॉस इज रियली गुड. इसमें गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और ये तीखी भी है, मतलब डबल तीखा हो गया. नूडल्स में तो मैंने ऐड करी थी चिली सॉस, ये भी स्पाइसी है. इन दोनों को मैं अलग अलग इन्जॉय करूँगी बिकॉज मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है. बेबी कॉर्न के साथ एक बाइट बना रही हूँ. टू गुड. बहुत सारी सोय सॉस डाल रखी है इन्होंने इसमें इसलिए ऐसा डीप डार्क कलर आया हुआ है. सॉल्टी बिल्कुल नहीं है, टैंगी भी नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग. मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है. सो या गाइस, नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट यू विद द इंडियन मेन कोर्स. नाउ आई एम गोना ट्राई द फूड फ्रॉम द इंडियन सेक्शन. आज यहाँ पे ना राइस वैसे प्लेन वाले ही हैं मगर ना करी मेरी फेवरेट है. दिस इज़ द राजमा रसीले और सब्ज़ियाँ भी अच्छी लगी मुझे तो मैं ब्रेड्स नहीं मंगवा रही हूँ और इन सब चीज़ों को राइस के साथ ही पेयर करूँगी. यहाँ पे कुछ फ्राइम्स है मेरे पास. दिस इज़ राजमा रसीले, कुकुम्बर स्लाइसेस जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला और हरी चटनी डाल दिया है. स्टीम्ड राइस है. दिस इज़ मिक्स वेजिटेबल और मेनली ना इसके अंदर गोभी और बीन्स डले हुए हैं. टमेटो बेस्ड करी में बनी हुई है ये. एंड दिस इज़ भिंडी दो प्याज़ा. भिंडी बहुत यमी होती है यहाँ की तो सबसे पहले इसे ही खा लेती हूँ. वैसे तो ये ब्रेड्स के साथ अच्छी लगेगी मगर मैं इसे ऐसे ही इन्जॉय कर रही हूँ लाइक अ स्नैक. भिंडी काफ़ी यमी है. इट इज़ रियली फ्लेवरफुल. इसके अंदर इन्होंने टमाटर प्याज का तड़का लगा रखा है और ना अच्छे से सॉटे करा है पैन में. प्रॉपरली भुना हुआ है इसका मसाला. आई गेस ये ना इसमें थोड़ा सा रोस्टेड बेसन भी डालते हैं जिससे कि ये चिपचिपी कम बने. जिंजर गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें तो यार इट इज़ क्वाइट गुड. और भिंडी तो आजकल सीजन में भी है बिकॉज समर्स चल रहे हैं तो एकदम टेंडर वाली है ये. Mm.
यमी। नंबर 2 द मिक्स वेज और इसके अंदर कॉलीफ्लावर डाला हुआ है, ऐसे ही ट्राई कर लेती हूँ इसे। वेजिटेबल्स परफेक्टली कुक्ड है, स्पेशली कॉलीफ्लावर, और ना इसके अंदर कैशू नट्स का भी फ्लेवर आ रहा है। आई गेस इन्होंने ना टमेटो ग्रेवी में कैशू नट्स को भी पीस के डाला हुआ है थिक करने के लिए इस करी को। बीन्स है इसमें, ग्रीन पीस हैं, कैरेट्स भी हैं। एक बाइट राइस के साथ भी बनाऊंगी इसका, और ऐसे तवा पुलाव वाली फीलिंग आएगी इन खानों को मिक्स करके। ये करी राइस के साथ तो और भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल पुलाव बन जाता है इसका। नाउ आई ट्राई द राजमा रसीले, जिसे ट्राई करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एकदम गाढ़ी सी करी है इसकी, और कश्मीरी राजमा का यूज़ कर रखा है इन्होंने। आप लच्छा पराठा या गार्लिक नान के साथ भी पेयर कर सकते हैं इसे, मगर राइस के साथ तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है ये। बहुत ही सिंपल डिश है ये, ओवरली स्पाइसी नहीं है, और अच्छे से हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। इन्होंने जिंजर डाला है, गार्लिक डाला है, अनियन डाला है, और बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, जिससे इतनी अच्छी फ्रेशनेस आ रही है। वैसे तो इसमें हरी मिर्च भी दिख रही है मुझे, बट आई डाउट कि वो ज़्यादा स्पाइसी लगेगी, बिकॉज ना ज़्यादा कुक हो जाती है ना हरी मिर्च तो उसका स्पाइस चला जाता है। एक और बाइट लूँगी। मैं ना बहुत हैप्पी हूँ कि आज यहाँ पे दाल तड़का नहीं थी, और उसमें जरा राजमा है। नमूना पैदा फ्राइम्स विद अचार का मसाला एंड चटनी। काफ़ी फ्रेश एंड क्रिस्पी है। एक बाइट कुकुम्बर स्लाइस का भी लूँगी। यहाँ पे सैलड अच्छे से रखा होता है इन्होंने, इसके अलावा यहाँ पे कैरेट के स्लाइसेस और अनियन के स्लाइसेस भी थे। अचार के मसाले के साथ तो अलग ही फ्लेवर आ रहा है कुकुम्बर का। तो गाइस नाउ आई फिनिश ऑल दिस एंड मीट विद द डिजर्ट। नाउ आई ट्राई द डिज़र्ट्स, और ना यहाँ पे आज अलग अलग टाइप के केक रखे थे, बिकॉज यहाँ पे ना आज बहुत सारे लोग आए हैं, रश है। आई गेस पहले से बुकिंग होगी इसलिए इनका बुफे बेटर था आज। तो हाँ आज यहाँ पे 3 टाइप के केक थे और तीनों एगलेस थे, तो मैं सब ले आई थोड़ा थोड़ा। दिस इज़ द वाइट फॉरेस्ट केक, ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक, और ये है रेड वेलवेट केक। इस सब में से मेरा फेवरेट तो ये वाला है, चॉकलेट वाला, पर चलो वाइट फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत प्रिटी लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि इन्होंने वनीला स्पॉन्ज के बीच में फिर रेड वेलवेट केक को थोड़ा सा क्रम्बल करके लगा दिया है, और उससे इतना सुंदर लुक आया है। केक का स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लिटरली मेल्ट इन माउथ टेक्सचर है इसका, एकदम फ्रेश है। ये बना हुआ है वनीला स्पॉन्ज से और वाइट चॉकलेट से, तो हाँ अच्छा लगा मुझे ये। बीच में पिंक कलर देख के लग रहा था कि इसमें कहीं स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ना हो, बट ऐसा नहीं है, जस्ट प्लेन है ये। नाउ आई ट्राई द ब्लैक फॉरेस्ट केक। टू गुड, ये वाला तो मेरे को अच्छा लग ही रहा है, बिकॉज इसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी है, सॉफ्ट ये इक्वली है बिल्कुल इसी की तरह। कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट केक कौन सा वाला होता है इस सब में से। अनदर बाइट, यम्मी। नाउ आई ट्राई द रेड वेलवेट केक। ये वाला केक भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है, यूजुअली ये थोड़ा हार्ड होता है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है इस बारी। रेड वेलवेट केक का कोई स्पेशल फ्लेवर तो होता नहीं है, मगर ना ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। Hmm.
हल्का सा सॉल्टी है, मगर ना बहुत ही हल्का सा, कि स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए डाला हो। तो यार गाइस केक तो सारे ही अच्छे थे, बट फेवरेट तो ये वाला है ब्लैक फॉरेस्ट। नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड गो बैक टू माय होम। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माय वीडियोस बट डू नॉट सब्सक्राइब। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़।